गुजरात की जनता आज 61 राजनीतिक दलों के 833 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद करेगी। लोकतंत्र के इस महापर्व में अर्घ देने पीएम मोदी भी गुजरात पहुंच गए हैं। पीएम मोदी ने कल अपनी मां से मुलाकात की थी और आज वो अहमदाबाद के रानिप में निशान पब्लिक स्कूल में बने बूथ पर अपना वोट डालेंगे। आज अहमदाबाद में मतदान करेंगे पीएम मोदी। सीएम भूपेंद्र पटेल, हार्दिक, अल्पेश, जिग्नेश का आज इम्तिहान। गुजरात में आज दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग। तो आज पीएम मोदी अहमदाबाद में वोट डालेंगे। गांधीनगर में पार्टी नेताओं से कल पीएम मोदी ने मुलाकात की, अपनी मां से उन्होंने मुलाकात की, जीत का आशीर्वाद लिया। आज 61 राजनीतिक दलों के 833 उम्मीदवार मैदान में हैं और आज पीएम मोदी भी अपना वोट देंगे। आज अहमदाबाद में मतदान करेंगे पीएम मोदी। गुजरात में आज आखिरी और दूसरे चरण का मतदान है। 93 सीटों पर सुबह 8 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चुनावी मैदान में कुल 833 प्रत्याशी हैं और इस बार बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। आखिरी चरण का चुनाव, कहां कहां पर वोट डाले जाएंगे और किस किस की किस्मत दांव पर, वो लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। गुजरात में दांव पर दिग्गज। मेरे तीन सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, हिमांशु मिश्रा, देवांकुर और गोपी घांगर। गोपी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि आप इस वक्त रानिप में मौजूद हैं जहां पीएम मोदी आज सुबह वोट डालने वाले हैं। बिल्कुल मलिका, आपको बता दें कि देखिए हम इस वक्त एक पोलिंग बूथ के बाहर है जो रानिप इलाके का है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो तैयारियां है वो हो चुकी है और यहाँ पे खास करके 8 बजे से जब वोटिंग शुरू होना है तो उससे पहले जो सारी चेकिंग है, जो ईवीएम की चेकिंग हो या जो यहाँ पे लोग जब वोट डालने आएंगे तो उसके लिए जो फैसिलिटीज है वो सारी चीजों की चेकिंग भी यहाँ पे हो चुकी है। और साथ ही आपको बता दें कि इस बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स जो है उसको भी डिप्लॉय किया गया है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही एक आप देख सकते हैं कि जो ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें उसके लिए लगातार जो इलेक्शन कमीशन है वो भी लोगों से अपील कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो यहाँ पे आए और मतदान करें। आप देख सकते हैं जो आखिरी तैयारियां है वो अब यहाँ पे चल रही है। 8 बजे से मतदान होना है और मतदान से पहले जो तैयारियां है वो खत्म होने को है और पूरी तरीके से ईवीएम की चेकिंग वगैरह यहाँ पे की जा रही है। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भी वोट डालेंगे। करीब 8:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। इसके अलावा अगर आज वीआईपीज की बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह भी अपना वोट डालेंगे, वो भी करीब 10:30 बजे के आसपास पहुंचेंगे अहमदाबाद के नारायणपुरा इलाके में। और आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है वो भी अहमदाबाद में अपना वोट डालने के लिए पहुंचेंगी। इसके अलावा कई और जो लोग हैं बीजेपी के संगठन के जो लोग हैं वो भी यहां पे मतदान के लिए पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं यहां पे जो लिखा हुआ है कि किस तरीके से आपको वोट डालना है उसकी एक पूरी जानकारी जो है वो भी इलेक्शन कमीशन के जरिए दी गई है। और लगातार लोगों से ये अपील की जा रही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पहुंचे और लोग वोट डालें, क्योंकि ये लोकशाही का पर्व है। और गुजरात में अगर देखें तो देखें जो घमासान था, चुनावी घमासान था, वो भी लगातार यहाँ पे चल रहा था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारी रैलियां की है, करीब 34 से ज्यादा रैलियां की थी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो और गृह मंत्री ने भी इतनी ही रैलियां लगातार वो यहाँ पे पिछले करीब 20 दिनों से वो कैंप यहाँ पे थे। और अगर बात की जाए तो सबसे आखिरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए जो अहमदाबाद में रोड शो किया गया, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये सेकेंड फेज सेंट्रल गुजरात और नॉर्थ गुजरात का, जहाँ
कांग्रेस का नॉर्थ गुजरात की बात करें तो कांग्रेस का जहां पे दबदबा है तो वही सेंट्रल गुजरात जो है जहां बीजेपी का दबदबा है। तो लगातार यही कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीट मिलने के जो टारगेट है प्रधानमंत्री का, और खास करके प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भी कहा था कि भूपेंद्र को नरेंद्र से ज्यादा सीटें मिले, तो वो टारगेट किस तरीके से हासिल किया जाए उसका भी पूरा प्रयास इस चुनावी घमासान में किया गया।